आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अलग रेसिपी जिसमें हम आलू का परांठा बनाएंगे, वो भी बिना कोई आटा गूंथे। बहुत ही सॉफ्ट ये परांठा बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। स्वागत है आपका अदितिस कुकबुक में। आज हम बनाएंगे आलू का परांठा विद लिक्विड डो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो ये लाजवाब परांठा बनाने के लिए एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप आटा। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1 बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देंगे। तो आलू का पराठा बना रहे हैं, तो यह मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का बॉइल आलू। इसे हमें ग्रेट करके इसमें डालना है ताकि कोई तरह की गुठलियाँ ना रहे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो धीरे धीरे हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और एक पतला सा बैटर इसका तैयार करेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बैटर हमारा तैयार है। आइए अब इसके परांठे बनाते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पे मैंने हल्का सा तेल फैला दिया था। अब 1 चम्मच भरकर इस पे हम बैटर डालेंगे, हल्का सा फैला देंगे। बहुत ज़्यादा पतला डोसे की तरह इसे नहीं फैलाना है, हल्का सा थिक ही रखना है। तो इस परांठे को बनाने के लिए आप नॉनस्टिक तवे का ही यूज़ करें। आप देख सकते हैं ये परांठे की ऊपर की परत ड्राई हो गई है। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी 1-2 मिनट सिकने देंगे। अब वापस से इसे पलटेंगे और इसके ऊपर घी या तेल जो भी आपको पसंद है वो अच्छे से फैला लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा देंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे और अच्छे से इसे सेकेंगे। लिक्विड पराठा है तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं सेकना है। तो आप देख सकते हैं जब ये सब तरफ से सिक जाता है तो ये पराठा फूलने भी लगता है। तो ये देखिए पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है, बाकी के भी इसी तरह हम बना लेंगे। तो सारे पराठे बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं। तो आप इन पराठों को दही या फिर अपनी मनपसंद चटनी के साथ इंजॉय करें, ट्राई ज़रूर करें। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाइए, खुश रहिए। नमस्कार।